फरमाइए जी, हैं आप, इनकी बारी है। अच्छा जी, ये एक वक्त कितना है हमारे पास, 3 मिनट का सवाल करें जी। 3 मिनट का सवाल रफा यदैन से मुतालिक। अच्छा। एक सवाल एक ज़ेर तबलीग दोस्त ने भेजा है, ठीक है। अहले हदीस हैं वो, कहते हैं कि अहले हदीस रुकू में जाते हैं और फिर खड़े होते हैं तो दोबारा कानों तक हाथ ले जाकर बांधते हैं, और इसके लिए 249 हदीसें ऐसी मौजूद हैं जिसमें ये जिक्र है, तो आप भी अपने तरीका को हदीस से साबित करें। अच्छा, बात यह है, अगर ये कहते हैं कि 249 हदीसें तो ऐसी हैं जिनमें रफा यदैन का जिक्र मिलता है और एक भी ऐसी नहीं जहां जिक्र ना मिलता हो, तो मैं इनकी बात, इनके सवाल को किसी हद तक माकूल समझता। इनको गालबन ऐसे फिरकों से बहसों का मौका मिला है जो तशद्दुद करते हैं और रफा यदैन को झूठ और गलत करार देते हैं। हमारा ये मसलक ही नहीं है, इसलिए हमसे बहस छेड़ना बेकार और बेमानी है। हमारा मसलक ये है कि जिस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक पर 249 क्या चंद ही मुस्तनद हदीसें गवाह हों, किसी मुसलमान का काम नहीं है कि दूसरे मुसलमानों से बहस करे कि ये गलत तरीका है, झूठा तरीका है। अगर तवातुर ना से ही एक दफ़ा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तरीक़ेकार साबित हो जाए जिसको खुद आपने बाद में ये कहकर तर्क न किया हो कि अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि बस इसको छोड़ो और यह तरीक इख्तियार करो, उस तरीक को भी अगर कोई मुसलमान अपना लेता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा यह समझाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर नहीं फरमाया था, हमेशा नहीं किया करते थे, तुम एक आध दफा कर लिया करो, ये मशवरा तो दे सकते हैं मगर उसको गलत नहीं कह सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत मजरूह होगी। आपने कम से कम एक दफा तो गलती की थी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बस अहमदी की मजाल नहीं है कि 249 हदीसें जिस पर गवाह हों उसको झूठ और गलत करार दें, मगर अहमदी मसलक यह है कि इसके अलावा ऐसी हदीसें भी हैं कसरत से जिनसे पता चलता है कि ये गालबन रसूलुल्लाह सल्लम का रोज़मर्रा का ये दस्तूर नहीं था। अगर एक वाकया जिंदगी में 10 मरतबा दोहराया गया हो और सैकड़ों नमाजी गवाह हों, तो मुमकिन है वो लोग जब वापस अपने इलाकों में गए हैं उन्होंने वो रवायतें फैला दी हों, लेकिन ये दस्तूर कि रसूल सल्लम इसके सिवा नहीं किया करते थे या ज़्यादातर हाथ नहीं उठाते थे, ये इस बात से साबित है कि अक्सर बुजुर्ग सहाबा जिन्होंने करीब से देखा, उन्होंने ना ये तरीक इख्तियार किया ना उनके गुरुओं ने बाद में उस तरीक को अपनाया। तो सारे अहले सुन्नत जो अहले हदीस के अलावा हैं उनका मसलक आखिर उन हदीसों पर मबनी है, इसलिए हम कहते हैं कि इसी तरह हाथ छोड़ने वाली माल माल की हदीसें हैं। मैंने हमेशा ये मसलक इख्तियार किया और जमात पर रसीद की कि ऐसे शख्स से ये बहस ना करो कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम से एक दफ़ा भी जो बात साबित हो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। ये समझाया करो प्यार से कि हमारा इल्म जहाँ तक है अक्सर ये दस्तूर नहीं था, अक्सर एक और दस्तूर था, तो हम अक्सर दस्तूर में रहते हैं, लेकिन अगर कोई अहमदी ऐसा करता हो तो किसी का हक नहीं है कि उसे गलत कहे। अहमदियों के अंदरूनी दायरे में आ रहा हूँ, अगर कभी कोई हाथ उठा लेता है और कोई लोग नहीं देखें कि ये टेढ़ी नज़र से कि ये गलत कर गया, झूठ है ये, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर खुद ये फरमाया है कि चूंकि दोनों किस्म की हदीस हैं इसलिए कभी ये कर लेना मेरे नज़दीक हरगिज़ नाजायज़ नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अहादीस से दस्तूर नबी ये साबित नहीं होता कि जो हमेशा का एक पाबंद दस्तूर हो, इसलिए हमें भी इसको पाबंद दस्तूर के तौर पर इख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है, वक्त हो गया जी। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। MTA International, reaching the corners of the earth. Zahoor-e-mehbiye, aakhir.